हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल ही नए डिज़ाइन का आपको डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने एक कली बनाई है, मैं पूरी कंप्लीट आपको बना के दिखाऊंगी और इसे पूरा करके भी दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बिगनर्स के लिए, तो बिगनर्स इसको आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 6 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है और आज हम इसको पुरानी चुन्नी से बनाएंगे। ये देखिए, इतनी छोटी छोटी आप इसकी पट्टियाँ बना लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। फंदे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके के बताऊँगी आपको। ये देखिए, आप इसमें ऐसे नोट भी लगा सकते हो और वैसे भी डाल सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ ताकि बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आसानी हो बनाने में। ये देखिए, नोट को हम टाइट कर लेंगे। एक हमारा नोट से हो गया फंदा और ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। 2, 3, 4, 5, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 23 फंदे मैं इसमें डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। आप 23 भी डाल सकते हो, 25 भी डाल सकते हो, आप जितना भी इसको बड़ा छोटा बनाना चाहो उतना ही आप इसको बड़ा छोटा बना सकते हो। ये देखिए, इसी तरीके से मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए, 23 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहीं से हम अपना एक कलर और लगाएंगे। ध्यान से देखिए, एक फंदा हम ये ब्लैक का लेके चलेंगे, जो मैं अभी इसी रो में इसको चेंज कर लूँगी। आप ये दूसरे कलर से डाल भी सकते हो। और ये देखिए, ऐसे हम इस पर लपेटेंगे। ये हमने लपेट लिया, पट्टी को आप ऐसे यहाँ पे पकड़ के रखिए। लपेटने के बाद हम इसको ये बना देंगे। एक फंदा हमारा ये येल्लो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया और एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। इसको आप इस साइड दबा लीजिए, इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। अब हम येलो से बनाएंगे बाकी के पूरी रो। और ये जो येलो की पट्टी है, आप इसको भी इसी में ऐसे रोल रोल कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम कपड़े की पट्टी से बनाते हैं तो दोनों साइड से हमारा बहुत ही सफाई के साथ बनता है और हमने इसमें कोई नोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही हम इसमें नोट लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे मतलब दोनों पट्टियों को, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए, ये पूरी रो में ऐसे ही उल्टी उल्टी बना के एंड तक कंप्लीट करूंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, एंड में आ गई हूँ मैं बिल्कुल। ये लास्ट के 3 फंदे मैं छोड़ दूंगी, 1, 2, 3, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाले को हम ऐसे ही उतार लेंगे और ये हम इस साइड से, ये हमारी सीधी साइड है, इस साइड से फ्रेंड्स जो फंदा जैसा आपको दिखाई देगा वैसा ही बनाना है। अब देखिए हम इसमें जॉइंट कैसे लगाएंगे। ये पट्टी मेरी ख़त्म हो गई, ऐसे हम इसको खोल लेंगे और दूसरी पट्टी लेंगे, इसके अंदर ऐसे रख के ऐसे हम इसको रोल कर देंगे। थोड़ा सा पकड़ के रखिए, जॉइंट हमारा लग गया है इसमें। ये देखिए, इस साइड से मैं इस रो को आपको उतार के दिखाऊंगी, फिर आपने ये हर बार ऐसे ही बनानी है। जो फंदा जिस कलर का होगा, जो भी आप कलर लगाओगे उल्टा उल्टा, उसी कलर से आपने बनाना है। ये अभी हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी ये बन के कम्प्लीट होगा। जब थोड़ा सा ये बन जाएगा, 1-2 रो इसमें और उतर जाएंगे। ये देखिए, येलो के मैंने सारे ही फंदे बना लिए हैं। पट्टी को पीछे कर देंगे, ध्यान से देखिए, और पीछे से ब्लैक पट्टी ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और ये हम उल्टा बना देंगे। जो फंदा बढ़ाया था उसको भी बना लेंगे। एक फंदा हमारा ये चलेगा, ये हमारे ऊपर
फंदे बढ़ेंगे। तो फिर से देखिए, बहुत ही अच्छी झालर बनेगी इसकी। फिर से देखिए फ्रेंड्स, ये हम ऐसे लपेट लेंगे। ये देखिए, एक फंदा फिर से हमारा, ये यहाँ पे देखिए, दो फंदे के तीन फंदे हो गए। और ये हम ऐसे कर लेंगे, और यहाँ से भी आपने ऐसे क्रॉस करना है। ये देखिए, बेसिक रो हमारी इसके उतर गई हैं। अब देखिए, बहुत ही जल्दी जल्दी ये बनके कंप्लीट होगा। और निडल्स आपके पास अगर ये 6 नंबर की नहीं हैं, तो आप 9 नंबर से, 8 नंबर से भी आप बना सकते हो। और अगर वूल वगैरह से बनाओ तो आप 10 नंबर की निडल्स भी यूज कर सकते हो। ये देखिए, तीन हमने पहले छोड़े थे, तीन हम ये और फंदे इस बार छोड़ देंगे। तीन तीन फंदे छोड़ते हुए मैं यहाँ तक आ जाऊँगी ऊपर, और ऊपर हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, इस पट्टी को पीछे करेंगे, पीछे से ब्लैक आगे लेके आएंगे क्रॉस करके, और फिर हम ये झालर के फंदे बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे झालर बनने स्टार्ट हो गई है। आप देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। फिर से ऐसे लपेट लेंगे और एक फंदा फिर से हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए, तीन फंदे हमारे बढ़ गए, एक फंदा हमने येलो का कन्वर्ट किया था। इस साइड ऐसे कर लेंगे, यहाँ से भी क्रॉस करना है आपने, और पीछे से भी। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये तीन फंदे मैं और छोड़ दूंगी। ये तीन तीन करते हुए मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, और इस साइड मैं एक एक फंदा इसी तरीके से बढ़ा लूंगी। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट करके आगे का बताऊंगी। ये फंदे निकल गए मेरे, ये देखिए, मैं यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ा लूंगी, और पीछे से एक एक फंदा, तीन तीन फंदे छोड़ दूंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने 1 2 3 4 5 6 बार मैंने तीन तीन करके फंदे छोड़ दिए हैं। चार फंदे मेरे बचे हुए हैं, और ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। एक फंदा हम ये यहाँ से हमने येलो का कन्वर्ट किया था, ये अलग है, ये 6 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला फंदा भी हम 6 फंदे बढ़ाने के बाद एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, और ये सारे फंदे हम बना लेंगे जो हमने बढ़ाए थे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक पट्टी भी मेरी ख़त्म हो गई है। इसमें फिर से देख लीजिए हम ज्वाइंट कैसे लगाएंगे। ये देखिए, दूसरी पट्टी को आप ऐसे अंदर करके ऐसे रोल कर दीजिए। ये ज्वाइंट हमारा लग गया। ये देखिए, और इसको भी हम ऐसे दबा लेंगे। एक फंदा हमारा बच गया, तीन फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो फिर दोनों फंदों के, दोनों कलर के बीच में गैप बन जाएगा। ये देखिए, इसको ऐसे उतार लेंगे, पीछे करेंगे, पीछे से हम जो हमारा ब्लैक है उसको हम क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। ये देखिए, और ये फंदे हम सारे ही बना देंगे। अब देखिए, 2 3 4 5 6 7 ये देखिए, 7 फंदे हमने फ्रेंड्स बढ़ा लिए हैं। एक फंदा हमारा ये जो हमने ये येलो का यहाँ से नीचे से हमने इसमें बनाया था। तो देखिए, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अब ये हमारी कली कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आपने कंप्लीट करना है। अब हम ये सारे फंदे, जितने भी आपने झालर में बनाए हैं, सारे फंदे हम एकदम से घटा देंगे। ये देखिए,
जितने भी आप, अगर आपने 5 फंदे की, 6 फंदे की, जो भी आपने झालर बनाई है, जितना भी बड़ा छोटा बनाओ इसी तरीके से बनेगा। आप पीछे आप फंदे छोड़ते आइए, 4-4 का पेयर भी आप बना सकते हो, 3-3 का भी बना सकते हो। अगर आपने छोटा बनाना है तो 2-2 का पेयर भी बना सकते हो। ये देखिए, जब आपकी कली कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपकी झालर भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, एक फंदा फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रखना है और सारे ही फंदे हमने एकदम से ऐसे घटाने हैं। अब ये देखिए, ये हमारा ब्लैक हो गया, इसको हम, ये देखिए, ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ऐसे हमारा सिलाई की तरह सिलता जाएगा। देखिए, अब भी मैंने यहाँ से भी क्रॉस किया है और एक मैं येल्लो बना दूँगी। ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है, ध्यान से देखिए, कली हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, एक हमारा ये ब्लैक का था, येलो बना लिया, फिर ब्लैक, फिर येलो। अब हम इसमें बीच में डिजाइन डाल लेंगे। कली हमारी कंप्लीट हो गई, ये देखिए, सारे ही आप फंदे जितने भी आपके पास हैं इसी तरीके से बना लीजिए। ये देखिए, बहुत आसान डिजाइन है। पूरी रो मैंने आपको उतार के दिखा दी, सारे ही फंदे आपने इस तरीके से बनाने हैं, उल्टे उल्टे बनाने हैं, लेकिन आपने दोनों कलर लगाने हैं। इस डिजाइन को आप मल्टी कलर में भी बना सकते हो। मैंने इसमें 2 कलर का यूज किया है। ये देखिए, लास्ट का फंदा हमारा ब्लैक आया है। ये देखिए, पूरी रो हमने ये बना ली है। अब आ गए हम सीधी साइड, तो सीधी साइड से भी फ्रेंड्स हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाला आप उतार लीजिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा बीच में होल बन जाएगा। और अब इसको आगे ले लेंगे, ध्यान से देखिए, अब येलो बना देंगे, इसको आगे कर लेंगे, अब हम ये बना देंगे। ये देखिए, जो जिस कलर का होगा आपने उसी कलर से बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, पीछे हमारा ये डिजाइन कली के बीच में ये डल जाएगा। देखिए, ये रो भी मैंने आपको पूरी कंप्लीट उतार के दिखा दी है, ताकि बिगनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिसको बनाना आता है वो बना लेता है फ्रेंड्स, लेकिन जो बिल्कुल ही ऐसे बनाना सीखते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। ये देखिए, इस तरह से कुछ हमारी इसकी लुक आएगी। तो देखिए, पूरा हमने ये बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कलर के फंदे हम ये सारे अपने बना लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कली हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अगली बार जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से फंदे अपने बढ़ाएंगे। इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक कलर के फंदे मैं यहाँ पे बना लूँगी। ये देखिए, हमारा झालर का बच गया, इस पे हम अपनी झालर स्टार्ट करेंगे, और ये पीछे के जब हम कली स्टार्ट करेंगे तो ये सारे ही फंदे मैं एक कलर के बना लूँगी। तो इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी यहाँ नीचे तक, और इस साइड से भी मैं बना के इसको यहाँ पे ले आती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए, सीधी साइड से भी मैंने इस रो को उतार लिया है, फिर से थ्रेड को, पट्टी को उस साइड कर देंगे, और दूसरी पट्टी को देखिए क्रॉस करके,
और इस एक फंदे को मैं ब्लैक बना दूंगी। ये देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए हमारी कली कंप्लीट हो गई है, झालर बन गई है। और ये देखिए सारे फंदे हमने एक कलर के कर लिए हैं। ये आपका बीच में डिजाइन आएगा। अब देखिए पलट लेंगे। अब यहाँ से फिर से देखिए हम अपनी झालर की स्टार्टिंग करेंगे। तो एक फंदा है हमारे पास, फिर से देखिए ऐसे हम इस पर लपेट लेंगे और एक फंदे के हम यहाँ पे दो फंदे बना लेंगे। इसको इस साइड करेंगे और ये इसके ऊपर से ऐसे ले लेंगे। और फिर से फ्रेंड्स जैसे हमने स्टार्टिंग की थी, एक एक फंदा छोड़ते हुए हम ये अपना पूरी रो उतार लेंगे। नहीं सॉरी, उल्टा उल्टा बनाते हुए ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में तीन फंदे में छोड़ दूंगी। ये देखिए दूसरी कली की फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग करके बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए तीन फंदे फिर से छोड़ दिए और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और पूरी रो हम ऐसे ही बनाते हुए जो जिस कलर का है इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ। अगर ये आपको डिजाइन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी बनने के बाद कैसी लुक आई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।